everyone and welcome to the new vlog. Right now I am in Allahabad, Prayagraj, whatever you call it. और घर आते ही एक लंबी सी लिस्ट मिल जाती है कि ये काम है वो काम है, कुछ अपने पर्सनल काम होते हैं वो सब करने होते हैं। इतनी जल्दी जल्दी इलाहाबाद इसलिए आ रहा हूँ कि एक पेपर वर्क था वो इनकम्प्लीट था, तो उसको पूरा करने के लिए आई हैड टू कम। मैं इधर कल आ गया था, कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊ ही ना इधर बीच, जैसा लास्ट व्लॉग में बोला था कि आई एम अ बिट डिस्टर्ब्ड थोड़ा सा, यू नो, बट ठीक है। कल आई हैड रिलैक्स टाइम, थोड़ा सा सही टाइम बीता मेरा कल का। आई फेल्ट गुड, थोड़े से कुछ पॉजिटिव थॉट्स कलेक्ट किए अपने अंदर, बेटर फील हुआ। तो आई थॉट कि चलो आज से शूट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज से क्या क्या करूंगा मैं इधर इलाहाबाद में। अभी फिलहाल तो मैं जिस पेपर वर्क के लिए आया था वो पेपर वर्क मैंने कम्प्लीट कर लिया है। इट्स 11 AM, सिविल लाइन्स में हूँ मैं अभी। फर्स्टली मैं ये करता हूँ कि कार का नंबर प्लेट चेंज कराता हूँ, क्योंकि शायद यूपी और न्यू दिल्ली में ऐसा कुछ रूल आ गया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यूज करनी है आपको अपनी गाड़ियों में, व्हीकल्स में सारी। मैंने एक दो दुकानें पता करी कि किधर से बनवानी है, तो उधर ही जा रहा हूँ, पास में ही है इधर, तो मास्क लगा लेता हूँ यार। चालान नहीं कटवाना है, बाकी सब कुछ करवाना है। ओके राइट, तो हियर आई गो। नंबर प्लेट एक बार बन गया तो खुश है, आजकल यही चल रहा है। कितने का होने वाला? 600। नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। लूट मची हुई है भाई, लूट मची हुई है। मेरा कैमरा वगैरह देख के साले मेरे को लूट रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी और आके बनवाते हैं, आगे पीछे से कहीं और से बनवा लेते हैं यार। कई दुकानें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक ही दुकान है। सो जस्ट चिल। ये है अलाहाबाद का पहला मॉल, दी अटलांटिस मॉल। आई थिंक ये 2000 में खुला था, 2001 में खुला था, और ये पहला मॉल था यहाँ का, तो कुछ एक्साइटमेंट हम लोग को बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी करके था और मैकडॉनल्ड्स था, तो उधर आते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो यही था, स्कूल डेज में हमने भी मज़े लिए हैं भाई बहुत। शाम को मैं इधर निकल आया फिर से सिविल लाइंस की तरफ, अभी यूनिवर्सिटी रोड गया था, तो यूनिवर्सिटी से निकल के मैं अभी जा रहा हूँ गौरव के घर पे, वहाँ पे उसके साथ एक दो सामान लेने जाना है। एक्चुअली कुछ वो सरप्राइज प्लान कर रहा है अपने वाइफ के लिए, उसकी वाइफ का बर्थडे है। लेकिन यार मैंने तो ऐसे बोल दिया, अब ये वीडियो में आ जाएगा और सरप्राइज बेकार हो जाएगा। प्रोबेबली जब तक ये वीडियो आएगा वो अपना सरप्राइज दे चुका होगा उसको। हेलो मिस्टर गौरव, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। लेट्स गो। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप। लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट ऑफ वर्क टू डू। गौरव मास्क भूल गया है, तो गौरव मास्क ले रहा है मेरे से, उधारी पे मास्क। भाई इंटरेस्ट लगा के दूंगा इसमें, दो बद्दी और जोड़ दूंगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फाइनली मैं नंबर प्लेट चेंज करा रहा हूं, ये निकाल दी है उन्होंने पुरानी नंबर प्लेट। अंकल का स्टोर वो है। थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। अभी अंकल मेजरमेंट करने गए हैं, लेके आएंगे दोबारा लगाएंगे इस पे। जब लग जाएगी मैं आप लोग कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ। ओके, कैसी लग रही है? हाई सिक्योरिटी वाली लग रही है अब सारी। वो जो ब्लू वाली यहाँ वाली बनवाते तो पे थोड़ा सा नहीं तो ठीक है। ये आपका नई गाड़ी जो आ रही शोरूम से प्लेट मिला लो आप, 19 नहीं मिलेगी आप। ऐसे ही है सब। हाँ सेम, ये लग गई नई नंबर प्लेट, अभी आगे वाली भी लग रही है, और ये पुरानी, तो पुरानी को डिग्गी के अंदर। सो इट लुक्स गुड। मैंने पापा की स्कूटी के लिए भी नंबर प्लेट ले ली है, इसको पीछे रखूँगा, इसको रख देता हूँ यहाँ पे। वी आर गुड टू गो बाबा। कम देता हूँ अपनी गाड़ी किसी को चलाने को, सबको पता है ये बात। अभी हम लोग जा रहे हैं मसाला कोल्ड ड्रिंक पीने। इलाहाबाद का तो यार नजारा ही बदल गया है अब तो, मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि पहले एग्जैक्टली कैसा लगता था ये सब। ये लेन, इस पर्टिकुलर लेन की बात करें, यहाँ ये कितना चेंज हो गया है। सब जमाना ही कुछ और था यहाँ पे, ऐसे मैकेनिक्स बैठते हैं।
सही बात है। लू स्टोर आ गए, मसाला कोल्ड ड्रिंक आ गई, मतलब आने वाली है। टॉय पोर्ट वो दुकान है जहाँ आपको पता है कि अपने बच्चे को नहीं लाना है। और बीवी के साथ तो गलती से भी नहीं, बीवी के साथ तो गलती से भी नहीं, वरना क्योंकि आप तो बच्चे को डांट सकते हो पर बीवी के सामने नहीं डांट सकते। मसाला कोल्ड ड्रिंक का वेट कर रहे हैं। तो ये लल्लू पान भंडार जो स्टोर है, यहाँ द ग्रेट मसाला कोल्ड ड्रिंक मिलती है। एक समय ये शॉप लैंडमार्क थी, लोग बताते थे कि लल्लू पे खड़ा हूँ, अच्छा लल्लू के आगे से टर्न ले लेना। आज लल्लू के लिए बताना पड़ता है वो जो वहाँ पे वो है जो हुआ करती थी, उसके बगल में देखना एक लल्लू की दुकान है। पहले तो ये बहुत बड़ा अड्डा हुआ था, होता था। थैंक यू दादा, थैंक यू। ये ब्लैक में है, ये ऑरेंज में है। थैंक यू दादा। गौरव के साथ आज बहुत सारे शोरूम्स गए, दो ज्वेलरी के शोरूम्स गए और एक एप्पल के शोरूम गए। बहुत सारी विंडो शॉपिंग करी हमने, विंडो शॉपिंग के अलावा कुछ जेन्युइन शॉपिंग भी करी हमने। अभी मैं फिलहाल घर को लौट रहा हूँ। मम्मी ने फोन करके बोला मैगी लेके आओ, आज मुझे मैगी बना के खिलाओ। द रेड लाइट मिल गई मेरे को। चलो ठीक है गाइज, मैं पहुँचता हूँ, कल का दिन इंजॉय करना है मेरे को। अभी घर जा रहा हूँ, डिनर वगैरह करूँगा, फैमिली टाइम, और मिलते हैं आप लोगों से कल। क्या नाम है दादा आपका? हमारा गुड्डू। गुड्डू भैया, गुड्डू की गन। तो ये भैया कचौड़ी सब्जी आ गई है, अब इसको खा के गुल्लू बताओ यार पापा कैसी है। इतना गरम। कोई बात नहीं, आराम से खाइए, आराम से खाइए। इसको डिप किया जाता है। ये दो तरीके की सब्जी है, रायता है, कचौड़ी है। लेट्स सी भाई, वाह टेस्ट तो है, स्वादिष्ट, अति उत्तम, अति उत्तम। चंद्रलोक कचौड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेस्ट तो है, बहुत अच्छा टेस्ट है, मान गए। सुबह सुबह का नाश्ता ये कचौड़ी सब्जी, खा सकते हो, मजेदार है, जरूर आइए ट्राई करिए चंद्रलोक की कचौड़ी। अब हम लोग को चुपचाप खाने दीजिए, आप लोग भी एंजॉय करो, कुछ खाओ पियो। A few inches later. तो ये चंद्रलोक कचौड़ी वाला जो था, इसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत करी थी आज से कितने साल पहले गुल्लू? लगभग दस साल पहले एक छोटा ठेला लगाता था ये, लेकिन आज इसने एक प्रॉपर शॉप सेटअप कर ली है। प्योरिटी और Fresh, totally fresh. तो चंद्रलोक कचौड़ी के लिए थम्स अप। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं गुल्लू? अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर जीरो रोड जा रहे हैं जलेबी लेने। जीरो रोड जा रहे हैं जलेबी लेने, कहाँ पे? अब आ गए हम लोग भगवान दास प्रहलाद दास जलेबी लेने को। देख सकते हो आप वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों की। का दो बार कॉल आ चुका है कि भैया जल्दी से घर आ जाओ, तो भाग रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि घर के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रहा हूं मैं, जलेबी और ये सब, तो भागना पड़ रहा है वरना ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा। तो आई एम बैक इन अलीगढ़। आई थिंक ये डेफिनेटली सबको फील होता होगा कि घर से छुट्टियां मना के आओ तो एक दो दिन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यार ये तो हर बार का ही है, घर जाना वापस इधर आना ऐसे ही फील करना, ये तो एक साइकिल सी चल रही है, चलती रहेगी आगे भी। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यार बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं सारी वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा इनपुट लगता है, तो प्लीज अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, इधर उधर लोगों को शेयर करो, थोड़ा सा प्रमोट करो यार भाई को अपने। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे। टिल देन टेक केयर, एंजॉय करो लाइफ को, मेरे वीडियोस देखते रहो, नया वीडियो जब तक नहीं आता तो वापस जाओ पुराने वीडियोस देखो। आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे सरप्राइजेस आने वाले हैं, धीरे धीरे मैं आप लोग को और बताऊंगा। टिल देन लिव टुडे लव टुमारो, टेक केयर गाइस।